नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, बड़ी जानकारी, जहां 2027 की तैयारी में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव के बाद फिर से फुल फॉर्म में लौटे सीएम योगी। संगठन की समीक्षा के बाद अब सरकार कर रही हार की समीक्षा। सभी जिलों के विधायकों एमएलसी सांसदों से कर रहे बात। चुनाव में सीटें कम होने, वोट ट्रांसफर न होने का भी लिया फीडबैक। बड़ी जानकारी आपको बता दें, देवी पाटन अयोध्या मंडल के विधायकों सांसदों से बात की है और इस अनौपचारिक संवाद का एजेंडा पब्लिक कनेक्ट ही रहा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां चुनाव परिणाम, विकास परियोजनाओं, समस्याओं पर राय जानी, समस्या और समाधान के हिसाब से प्लान बनाएगी सरकार। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ चुनाव परिणाम, विकास परियोजनाओं, समस्याओं पर राय जानेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहाँ समस्या और समाधान के हिसाब से प्लान बनाएगी सरकार। ये बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहाँ 2027 की तैयारी में सीएम योगी आदित्यनाथ और लोकसभा चुनाव के बाद फिर से फुल फॉर्म में लौटे सीएम योगी। संगठन की समीक्षा के बाद अब सरकार हार की समीक्षा कर रही है। जो भी नतीजे सामने आए, उसके क्या कुछ कारण रहे, कहां चूक हुई है, क्या वजह रही है, तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। चुनाव में सीटें कम होने, वोट ट्रांसफर ना होने का भी फीडबैक लिया। सभी जिलों के विधायकों एमएलसी सांसदों से वे बात कर रहे हैं। देवी पाटन अयोध्या मंडल के विधायकों सांसदों से उन्होंने बातचीत की। इस अनौपचारिक संवाद का एजेंडा पब्लिक कनेक्ट ही रहा है। तो चुनाव परिणाम, विकास परियोजनाओं, समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राय जानी। ये बड़ी खबर आपको बता दे, जहां समस्या और समाधान के हिसाब से प्लान बनाएगी सरकार। तो लोकसभा चुनाव के बाद फिर से फुल फॉर्म में लौटे सीएम योगी आदित्यनाथ। संगठन की समीक्षा के बाद अब सरकार हार की समीक्षा कर रही है। सभी जिलों के विधायकों एमएलसी सांसदों से कर रहे हैं बात। ये बड़ी जानकारी आपको बता दे, जहां चुनाव में सीटें कम होने, वोट ट्रांसफर ना होने का भी फीडबैक लिया है। और देवी पाटन अयोध्या मंडल के विधायकों सांसदों से भी समीक्षा की है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, जो परिणाम 2024 में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 में किसी भी तरीके की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको लेकर फुल फॉर्म में सीएम योगी दिख रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देखें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार संगठन के बाद अब सरकार की तरफ से समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भर के जो अलग अलग मंडलों के विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवी पाटन और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल के जो विधायक हैं उनके साथ बैठक की थी, जिसमें जो देवी पाटन मंडल के विधायक और सांसद दोनों मौजूद थे और जिनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग मुलाकात की। सुबह मुख्यमंत्री की मुलाकात अयोध्या मंडल के विधायकों के साथ हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हार के कारणों की समीक्षा की, किस तरीके की स्थितियां उनके प्रदेश में, उनके जिले में है, किस तरीके से उनकी विधानसभाओं में बेहतर परफॉर्म पार्टी नहीं कर सकी, इन बहुत सारी चीजों को लेकर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों से बात की। हालांकि दोनों मंडलों के विधायकों और सांसदों से बात करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को निर्देशित किया कि जो भी उनके क्षेत्र की जरूरतें हैं उनके हिसाब से अपने प्रस्ताव तैयार करें, सरकार को दें। सरकार ने पहले भी इन चीजों को लेकर विधायकों को निर्देशित किया था कि अगर आपके क्षेत्र की कोई जरूरत है, कहीं किसी सड़क की, पुल की, चक्रोट की, बिजली की या दूसरी जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं होती हैं उनके लिए सरकार को प्रस्ताव बनाकर दें, ताकि उन योजनाओं को तेजी से पूरा कराया जा सके। लोगों के बीच में नाराजगी की वजह क्या है उसको विधायक समझें और ये बात सरकार तक पहुंचाएं, ताकि उसको दूर किया जा सके। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक लगातार एक्टिव दिखाई दे रही है और कोशिश कर रही है कि उन कीलकांटों को दुरुस्त कर दिया जाए जिनकी वजह से 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 62-33 पर सिमटना पड़ा। तो ऐसे में बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल रखी है, लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, अधिकारियों को भी निर्देशित कर रहे हैं कि अगर जनप्रतिनिधियों
मंत्रियों का फोन आता है तो ऐसी स्थिति में उनके फोन पर रिस्पांस दिया जाए, अगर वो किसी समस्या को बताते हैं तो उस समस्या को अधिकारी भी सॉल्व करें। विधायकों से भी कहा है कि अपनी निधि से काम कराएं। जहां तक उससे किसी बड़ी परियोजना का सवाल है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की या फिर केंद्र सरकार की योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही है, उनके प्रस्ताव बनाकर सरकार को दें ताकि सरकार उन पर जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ा सके और उन चीजों को पूरा किया जा सके। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक के जरिए कहीं ना कहीं क्षेत्र की स्थितियों को समझ रहे हैं, वहां पर क्या कुछ दुश्वारियां रही, किन चीजों को लेकर लोगों के बीच में नाराजगी रही, कैसे उस नाराजगी को दूर किया जाए, क्षेत्र की विकास योजनाओं को कैसे गति दी जाए, ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की थी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि सांसद भी अगर अपने क्षेत्र में कोई समस्या बताते हैं या कोई प्रस्ताव देते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर संभव मदद उनको उपलब्ध कराई जाएगी। क्षेत्र को लेकर जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की योजनाएं हो, खाद्यान्न वितरण की योजनाएं हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की योजना हो, आयुष्मान कार्ड जैसी योजना हो, प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास जैसी योजनाएं हो, उन सभी का क्रियान्वयन तेजी के साथ अपने क्षेत्र में कराएं। साथ ही साथ लोगों के बीच जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनकी बात को समझें कि आखिर क्यों लोग नाराज थे। अगर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके संपर्क में भी जो विधायक सांसद हैं वो रहें, उनकी भी बात सुने, अगर उनके भी कोई काम आते हैं तो वो भी कराएं, जहां तक उनसे संभव हो, अगर उनसे नहीं संभव हो तो सरकार तक वो चीजें भेजी जाएं। तो ये बहुत सारी चीजें कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों मंडल के विधायकों सांसदों के साथ बैठक के दौरान कही है। सीधे तौर पर हम देखें तो अब संगठन के बाद सरकार पूरी तरीके से एक्टिव दिखा दे रही है। मुख्यमंत्री खुद पूरी कमान संभाले हुए हैं, लगातार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं और ये क्रम तब तक चलेगा जब तक उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडल पूरे नहीं हो जाते। और इसके जरिए से 18 मंडल के सभी सांसद और विधायकों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे इंटरेक्शन करेंगे और उनकी जो क्षेत्र की जरूरतें हैं, दुश्वारियां हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको जानेंगे और उनको पूरा करने की कोशिश होगी। जी ठीक है, ठीक है। इसके बाद तमाम जानकारी के लिए जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।